हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो वृद्धावस्था पेंशन है और जिनकी पेंशन नहीं बनी है तो राशन कार्ड की सूची द्वारा भी पेंशन बनाई जाएगी। देखिए अखबार में न्यूज निकलकर आई हुई है अमर उजाला की, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं न्यूज की, कौन सी न्यूज आई है। यहाँ पर देखिए, ये जो न्यूज है अमर उजाला की न्यूज है, इसमें ओल्ड एज पेंशन भी दी जाएगी। यहाँ पर देखिए न्यूज है सीतापुर न्यूज, राशन कार्ड से वंचित निर्धन बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। ये न्यूज है अमर उजाला की, 18 मई 2024 की न्यूज है, 12:56 की। ठीक है, इस न्यूज को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में जाकर। गूगल में सर्च करना है आपको सीतापुर न्यूज 18 मई 2024 राशन कार्ड, तो यहाँ पे देखिए न्यूज निकलकर आ जाएगी। इस न्यूज में लिखा हुआ है लेगी पेंशन, सीतापुर राशन कार्ड के अभाव में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित पात्र बुजुर्गों को भी पेंशन मिलेगी। आपूर्ति विभाग की ओर से संबंधित परिवारों के बुजुर्गों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। समाज कल्याण विभाग सर्वे और सत्यापन कराकर बुजुर्गों को पेंशन योजना से लाभान्वित कराएगी। जिले में करीब 20,000 बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सकता है। देखिए ये योजना जो है समाज कल्याण विभाग के सर्वे होने के बाद, सत्यापन होने के बाद जो है ये योजना चालू की जाएगी, यानी पेंशन दिलाई जाएगी। सत्यापन होगा पेंशन का, उसी के हिसाब से दी जाएगी। यानी आपूर्ति विभाग की जो सूची है राशन कार्ड की, उस सूची के हिसाब से ये पेंशन सत्यापन होने के बाद चालू की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 निर्धन परिवारों के लिए त्वरित गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उस परिवार में 60 या इससे अधिक उम्र के जरूरतमंद बुजुर्गों को भी पेंशन दी जाएगी। ग्राम सभावार सर्वे कराकर पात्र बुजुर्गों से ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। जो व्यक्ति पात्र होंगे उनको जो है बताकर ऑनलाइन कराया जाएगा। निदेशालय से आया निर्देश, चुनाव बाद होगी काव्यध। पटल सहायक सुरेश गौतम ने बताया कि समाज कल्याण निदेशालय ने इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सर्वे कराकर बुजुर्गों को सूचीबद्ध किया जाएगा, सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, नई सरकार बन जाएगी, किसी की भी सरकार बने, उसके बाद जो है राशन कार्ड सूची के हिसाब से पेंशन योजना लिस्ट निकाली जाएगी। यानी जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी, फिर उसके बाद सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन के बाद जो भी पात्र होगा उसको पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।